इसराइल इमरान खान के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खतरनाक बयान दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आटमी कुव्वत होने के नाते इसराइल पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान के जरिए हम पर हमला आवर जरूर है। इसराइल डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं ले सकता, लेकिन इमरान खान को छोड़ा हुआ है जो यहूदी लॉबी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसराइल का एजेंडा बानिए पीटीआई पूरा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 2014 में सीपैक पर दस्तखत हो रहे थे तो बानिए पीटीआई इमरान खान हमलावर थे, अब फिर उन्होंने शंघाई तआवुन तंजीम इजलास पर एहतजाज शुरू कर दिया है। अवाम खुद समझदार हैं, ताने बाने जोड़ लें कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। अवाम को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि पहले भी 126 दिन धरना देकर इंतशार फैलाया, आज फिर इंतशारी सियासत कर रहे हैं। दहाइयों के बाद पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो इंतशार फैलाना शुरू कर दिया है।